बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरे तमाम बहन भाई माशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक होंगे, अल्लाह की ईमान में होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये भी मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझसे कहा था कि आप ये रेसिपी डालें। तो मेरा ऐसा है कि मेरा ऑलरेडी शेड्यूल तय है होता है, लेकिन जब किसी की कोई मेरे पास रिक्वेस्ट आती है तो मैं अपने शेड्यूल को आगे पीछे करके पहले उनकी जो डिमांड होती है उसको हद तक कोशिश करती हूँ कि मैं पूरा कर दूँ। और मेरा जो शेड्यूल है वो अगर थोड़ा आगे पीछे भी हो जाएगा तो नो मैटर। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है कीमे वाला पुलाव। तो कीमे वाला पुलाव बनाने के लिए जो इन्ग्रीडियंट्स हमें चाहिए होंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ये मेरे पास बनस्पति चावल हैं, तीन कप चावल हैं ये मेरे पास, हाफ के जी से ज़्यादा है ये, 800 ग्राम मेरे पास मिंस मीट है यानी कीमा है। ये मेरे पास दो बड़े साइज़ के वो हैं पड़े हुए प्याज जिनको मैंने क्यूब में काटा है, ये देखिए ये इसमें मैंने वो रखे हुए हैं। ये मेरे पास धनिया है, ये मेरे पास 2 टेबलस्पून जिंजर है, 2 टेबलस्पून गार्लिक है, ये मेरे पास 3 बड़ी सब मिर्चें हैं, ये 2 टमाटर हैं जिनको मैंने स्लाइस कर लिया है, ये 1/4 कप जो है मेरे पास ऑयल पड़ा हुआ है कॉर्न ऑयल है ये मैं इसमें घी वैसे भी इसलिए कम रखूँगी कि जो कीमा होता है इसके अंदर अपना भी काफ़ी सारा जो होता है ऑयल ऊपर निकल आता है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं कम रखूँगी। इसके बाद मेरे पास जो ड्राई इन्ग्रीडियंट्स हैं उनमें ये नमक है 1.5 टीस्पून है ये मेरे पास, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स हैं, 1 टीस्पून मेरे पास हल्दी है, 1 टीस्पून ही मेरे पास रेड चिली पाउडर है, 1 टीस्पून मेरे पास क्यूमन सीड है, ये कोरिएंडर पाउडर है मेरे पास और इसके साथ साथ क्यूमन सीड के साथ साथ क्यूमन पाउडर भी है मेरे पास, ये मेथी पाउडर भी 1 टेबलस्पून है, 2 मैं इसमें डालूँगी ये ब्लैक कार्डमम बड़ी वाली और 5-6 दाने लौंग के डालूँगी। तो आएँ देखें ये रेसिपी कैसे बनती है, स्टार्ट करते हैं। ये मैंने अपना पैन आंच पर रख दिया है, इसमें मैं ये अपना 1/4 कप ऑयल का डालूंगी। इसके साथ ही मैं अपने थोड़े से डाल दूंगी प्याज, इनको हल्का सा सिर्फ फ्राई करूंगी। ये मैं अब इसके अंदर कीमा डाल दूंगी जिसको मैंने अच्छी तरह धो के साफ कर लिया। के साथ ही मैं गार्लिक डाल दूंगी, जीरे डाल दूंगी, ये सारे मसाले डाल दूंगी, ये वाले सारे मसाले डाल दूंगी और अपना थोड़ा सा इसको भूनूंगी। मैं इस स्टेज पर जब भी थोड़ा सा इसका पानी खुश्क होने पे आ गया तो मैं ये लौंग और ब्लैक कार्डमम और ज़ीरा ये तीनों चीज़ें इसमें डाल दूँगी, ज़ीरा के साथ ही डाल दूँगी इसके अंदर। कीमा अच्छी तरह भून जाए तो फिर मैं जो बाकी के मसाले हैं वो इसमें डालूंगी। ये देखें कीमा मसाला भून गया और इसमें घी छोड़ दिया, अब मैं इस कोरिएंडर और कसूरी मेथी इसके अंदर डाल दूंगी। हाँ जी, साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ा सा धनिया भी ऐड कर दूंगी, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। अभी अब मैं इस स्टेज के ऊपर मेरे पास 3 कप चावल हैं तो मैं इसके अंदर इसके बस 5 कप्स ऑफ वाटर डाल दूँगी। फाइव पूरे नहीं डालूँगी, 4 तक रखूँगी, 4 1/2 डालूँगी और इसको पकने दूँगी, फिर इसके बाद आटे मिलती हूँ। देखिए माशाल्लाह से इसको बॉयल आ रहा है, अब मैं इसके अंदर राइस डाल दूंगी।
जो मैंने भिगो के रखे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मिक्स करूंगी, फिर इसके बाद में इसको पकने के लिए छोड़ दें। मैं इसको अब खोल के देखने जा रही हूँ कि चावलों पुलाव की क्या सिचुएशन है, फिर उसके मुताबिक मैं इसको दम लगाऊंगी। जी मैं इसको इस कंडीशन में अभी दम डालूंगी तब इसे दम लग जाए। इससे पहले मैं इसके ऊपर थोड़ा सा रोस्टेड हमारे पोटैटोज हैं, मैं इनको डालूंगी। जी बच्चे टमाटर के मेरे पास कटे हुए हैं स्लाइस, उनको रखेंगे इस तरीके से। उनको ग्रीन मिर्ची डालेंगे, और अब मैं इसको 15 मिनट के लिए दम पे छोड़ दूंगी। जब इसका दम तैयार हो जाता है फिर आपके साथ मुलाकात होगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें कितना प्यारा कीमे वाला पुलाव माशाल्लाह से तैयार हो गया है। आप इसको इसी तरह बनाइए और टेस्ट करिए और फिर मुझे बताइए। मैंने अपने घर के स्टाइल के मुताबिक बनाया है। अगर आप लोगों को इसके अंदर कोई चीज़ कम या ज़्यादा करनी हो तो आप इसको कर सकते हैं। तो खाने के बाद बनाइए और खाने के बाद मुझे बताइए कि आपने आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, कितना पसंद आया, ये मुझे ज़रूर इसका फीडबैक दीजिएगा। दूसरा, मेरी रेसिपी को लाइक करिए और शेयर कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके मुझे प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर दिया करें, क्योंकि जब आप मुझे कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आपको वापस रिप्लाई करने में, तो मैं फिर बैठ के आपको रिप्लाई करूँगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे लगेगा कि ये मेरी यूट्यूब की फैमिली सी बन गई है, तो मुझे बहुत अपनाइयत मिलती है। तो आप ना मुझे ज़रूर कमेंट भी किया करें। तो अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, और अल्लाह हाफिज़।